सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम थोड़े से सीरियस मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे इतने भी सीरियस है नहीं, लेकिन फिर भी बात करने वाले हैं। तो बात कुछ ऐसी कि कल 2:30 बजे की बात है, सौरभ भाई शायद इधर आए थे शायद, या कन्फर्म हुआ मुझे नहीं पता। तो वो है हम सबसे, मतलब हाँसी की आधी पब्लिक यही बोल रहे हैं कि मिल के नहीं गए, उनसे नहीं मिले, उनसे नहीं मिले। तो पहली मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है शायद वो हमारे या किसी और के घर गए हों, या मतलब किसी और को छोड़ो, हमारी ही बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं भी, शायद वो हमारे घर पे आए हों। और मतलब मम्मी उस टाइम बाहर थी और मैं भी स्कूल में ही था, इसलिए शायद ना मिल सके हूँ, या फिर कुछ भी बात है। और साथ ही साथ सोनू भैया ने एक वीडियो अपलोड की थी इसी से, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड थी थोड़ी बहुत, और वो प्राइवेट हो गई। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने खुद से प्राइवेट की है या फिर हुई है, मतलब की गई है, ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता। हो सकता है शायद मेरी वीडियो उड़ जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। और मेरे कमेंट सेशन में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब बताओ कि सौरभ भैया से आपको कुछ कॉन्टैक्ट होता है या मतलब कुछ भी, मतलब अब उनमें एटीट्यूड आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो पहली बात ये है कि पहले ये कमेंट भी आता है कि सोनू भैया और सौरभ भैया की बात नहीं होती क्या वैसे वैसे, तो उन दोनों के बीच में क्या है वो मुझे अच्छे से नहीं पता। थोड़ा बहुत पता है, लेकिन एक इंग्लिश में शब्द होता है प्राइवेसी, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता क्योंकि फिर सीन हो जाएंगे। सीन तो वैसे भी हो ही रखे हैं फिलहाल, ओके। तो प्राइवेसी के चक्कर में वो बात तो मैं बता नहीं सकता। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता मुझे, ज़्यादा नहीं पता, मतलब जिसकी वजह से हल्की सी लड़ाई हुई थी, मतलब पूरी वो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई थी बड़ी वाली, लेकिन हल्की सी लड़ाई हुई थी शायद, ठीक है। और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि मेरी बात होती है अब सौरभ भाई से, पीयूष से, साहिल्स भाई से, तो कभी कभी हो जाती है भाई। और मतलब काम हो तो तभी करता हूँ, नहीं तो फिर बिजी लोग, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि यार वो अब थोड़े से मतलब बिजी होंगे क्योंकि बड़े यूट्यूबर, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो, ठीक है। तो वैसे मेरे को लगता है कि शायद वो मतलब अर्जेंट में आए होंगे इसलिए नहीं मिल सके होंगे, या फिर अगर नहीं आए थे तो भी क्या पता ना मिले हो, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। और 90% चांस तो ये है कि अर्जेंट में आए होंगे। तो प्लीज़ जो भी अभी सोच रहे हैं कि मतलब हंसी के लोग ओनली कि आए थे मिल के नहीं गए ऐसा ऐसा, तो सोचना बंद ही कर दो भाई, क्योंकि क्या पता अर्जेंट में आए हों, और अगर नहीं भी आए हों तो भी वैसे भी मिलते ही रहते यार, ओके। तो बाकी ये बात भी थोड़ी बहुत फैल रखिए कि मतलब अब फ़ोन नहीं आता उनका या हम फ़ोन करते तो ऐसा वैसा। तो जैसे कि मैंने कहा, बिग यूट्यूबर इज इक्वल टू बिजी यूट्यूबर इज इक्वल टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसलिए हो सकता है ऐसा थोड़ा बहुत, बाकी मुझे एग्जैक्ट तो कुछ पता नहीं है। और आई होप जो भी मतलब अभी कह रहे हैं लोग ऐसा कुछ ना कहें, और सोनू भैया और सौरभ भाई की भी मतलब अगर लड़ाई हुई है, वैसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ी बहुत छोटे मोटे बात है तो हो जाए ठीक जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था इस बात पे कि क्या कुछ सीन है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आई तो फिर भी कर ही देना क्योंकि फ्री का ही है। तो तब तक के लिए बाय गाइस।